नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की सुंदरता को कौन नहीं जानता। जो भी इस जगह पर आता है वह इसी जगह का हो जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी इसी स्थान पर आए और यहीं के होकर ही रह गए। इसीलिए इस जगह को देवभूमि भी कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। माना जाता है महादेव और भगवान विष्णु यहीं वास करते थे, जिन्हें हम सभी बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से जानते हैं। जहां बद्रीनाथ में भगवान विष्णु वास करते हैं, वहीं केदारनाथ में भगवान शिव वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बद्रीनाथ भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था, जिसे छोड़कर उन्हें पार्वती के साथ जाना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ बहुत ही सुंदर स्थान माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन की बात है, भगवान नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान आप सदा शेषनाग पर ही विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी आपकी सेवा ही करते रहते हैं। आपको नहीं लगता मनुष्य तक इसका कितना गलत संदेश जाता है? आपको तो मनुष्य के लिए कुछ करना चाहिए। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें वहां एक छोटा सा घर दिखाई देता है। ये घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो साधना के लिए चाहते थे। जैसे ही वो उस घर में प्रवेश करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये निवास स्थान तो भगवान शिव का है। फिर वह सोचते हैं, अगर मैं विष्णु रूप में इसे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा तो महादेव को क्रोध आ जाएगा। इसलिए वह एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं और घर के बाहर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतीक्षा करने लगते हैं। थोड़ी देर में माता पार्वती और भगवान शिव घर लौटते हैं और उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उनकी नज़र उस बालक पर पड़ती है। उसका रुंदन सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा होती है और वह सोचने लगती हैं, ये बालक आया कहाँ से है और इसकी माता कहाँ है। ये सब सोचकर माता उस बालक पर दया आ गई। तभी वह उसे उठाने लगती हैं। तभी भगवान शिव उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव समझ गए थे कि ये कोई भगवान विष्णु की लीला है और उनसे कहते हैं, इस बालक को स्पर्श मत कीजिए। ये सुनकर माता पार्वती शिव से कहते हैं, स्वामी आप कितने निर्दयी हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। आप खुद सोचिए, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, ना ही किसी के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे घर के द्वार पर कैसे पहुँच गया। लेकिन माता पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी और माता पार्वती उस बालक को घर ले जाते हैं और घर में ले जाकर चुप कराने लगते हैं। कुछ ही देर में बालक सो जाता है। तब माता पार्वती बाहर आते हैं और भगवान शिव के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चले जाते हैं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर में भगवान शिव और माता पार्वती जब घर लौटते हैं, तब वह द्वार खोलते हैं तो द्वार नहीं खुलता। तब वह उस बालक से दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। तब वह बालक कहता है, अब आप भूल जाइए भगवान, ये स्थान मुझे पसंद है, मुझे यहीं विश्राम करने दें, अब आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आप इस बालक को मत उठाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तब माता पार्वती कहते हैं, अब हम क्या करें। तब भगवान शिव कहते हैं, ये बालक आपको बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कह सकता, अब हम कहीं किसी और जगह निवास करेंगे। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास स्थान बद्रीनाथ को छोड़कर कहीं और निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यारा सा निवास स्थान मिल जाता है, जिसे हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। इस तरह भगवान शिव बद्रीनाथ को छोड़कर केदारनाथ में बस जाते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।